पुलिस ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। इमरान खान पर मुकदमा DSP रावेंड की मदद में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुसल्ला अफराद 400 अफराद पर मुश्तमिल थे। जत्थे ने इमरान खान के कहने पर हंगामा आरई की। जत्थे में शरीक अफराद कौमी सलामती के इदारों को धमकियां दे रहे थे। पीटे कारकुन इमरान खान, हसन न्याजी, फारूख हबीब, फवाद चौधरी, हमाद असर, महमूद रशीद और इजाज चौधरी के कहने पर इदारों को धमकियां देते रहे। FIR के मुताबिक PTI के मुश्तली अफराद ने पुलिस पर पथराव किया। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत वफ़ाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफ़ाकी काबीना मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल का जायजा लेगी। काबीना इजलास में हज पॉलिसी 2023 पेश किए जाने का इम्कान है। नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी भी इजलास में पेश की जाएगी। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतल्लिक भी गौर होगा। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के वज़रा से अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। तमाम सियासी जमातों को दावत देता हूँ कि मिसाकी मसीह मीशत करें। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। इस हवाले से सामने आने वाली खबरें गुमराहकुन हैं। पाकिस्तानी मीशत से मुतल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दफ्तर खारजा ने कहा कि दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की तरफ से मबजूल करवाते रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीर की सियासी सिफारती हिमायत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ने अमीर कदर की दावत पर वहाँ का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने अमीर कदर से मुलाकात करके दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सुबह पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। शेड्यूल के मुताबिक पंजाब में आम इंतखाबात के लिए 11 मार्च को पब्लिक नोटिस जारी होगा। पंजाब में कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ख़वातीन ने जिंदगी के हर शोबे में अपना किरदार अदा किया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना वक्त की अहम जरूरत है। न्यूयॉर्क में विमन इन इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि मुसलमान ख़वातीन के हकूक उजागर करने के लिए कोशा है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम ख़वातीन को मुआशरे में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। जवान पार्क में PTI रैली के दौरान वर्कर की मुंबई में हलाकत के मामले पर पंजाब पुलिस ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। DIG एलिट फोर्स सादिक अली और SSP इमरान किशोर मामले की तहकीकात करेंगे। इंक्वायरी टीम गवाहों के बयान लेगी। कमेटी CCTV फुटेज और वाकई की वीडियो क्लिप पर मुश्तमिल रिपोर्ट 3 दिन में IG पंजाब को पेश करेगी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त ही, मज़ीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।